हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्रत में बनने वाले साबुदाना वड़े। साबुदाना मैंने यहाँ पर आधा कप रात को भिगो लिया था, कम से कम आधा इंच उसके ऊपर पानी अच्छे से दो तीन बार धो के आधा इंच पानी ऊपर रख के मैंने उसको पूरी रात सोक किया है और ये बहुत अच्छे से ना ऐसे सॉफ्ट हो गए। आप देखिए ऐसे मैश हो रहा है, साबुदाना बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट हो गया है, तो ऐसा होना चाहिए। एक हरी मिर्च को मैंने बीज निकाल के काट लिया है क्योंकि ज्यादा तीखी हरी मिर्च थी। ये हमने 1/4 कप मूंगफली का पाउडर लिया है। ड्राई रोस्ट करने के बाद मूंगफली को ग्राइंड कर लिया, थोड़ा दरदरा रखा है ताकि क्रंची रहे थोड़ा सा। ये एक हम उबला हुआ आलू इसमें से यूज करेंगे जिसको अच्छे से हमने ठंडा करने के बाद मैश कर लिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। इस तरह से करेंगे हम इसको मिक्स और इसमें हम डालेंगे ये सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में जो है हम सेंधा नमक इस्तेमाल करेंगे। जब बनाने हैं तभी इसको डालें, नहीं तो पानी छोड़ देगा। और अच्छे से ना इसको ऐसे मैश करेंगे, मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से ये बाइंड हो जाए। इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, पानी नहीं होना चाहिए, आलू भी जैसे पानी वाला नहीं होना चाहिए। सुखा लें उसको अच्छे से तब उसको यूज करें और ये व्रत में खाइए आप, वड़े बहुत अच्छे बनेंगे। इसको करते हैं 2-3 मिनट मैश और ये देखिए ये बिल्कुल डो की तरह लग गया है। हमने हाथ को अच्छे से साफ कर लिया है, इस पर हम लगाएंगे अच्छे से तेल और इसकी बॉल बनाएंगे। जितना भी बड़ा हमें बनाना है, मीडियम साइज का एक बॉल ऐसे बना लेंगे। इसको ऐसे हथेली से थोड़ा सा प्रेस करेंगे और ये देखिए इस तरह से, ये बीच में से थोड़ा सा मोटा और साइड से पतला रहेगा, ऐसे किनारे फटेंगे भी नहीं। मूंगफली के पाउडर से आलू से इसकी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। और देखिए इस तरह से हम बड़े बना रहे हैं। मैं एक और आपको बनाकर दिखाती हूँ। आप पहले बॉल बनाएंगे ताकि वो अच्छे स्मूथ हो जाए, इस टाइप से चारों तरफ से प्लेन हो जाए। इसको हम हथेली पर रखेंगे और इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। साइडों से पतला रहेगा और बीच में से थोड़ा मोटा रहेगा। ऑयल लगाकर आप इसको बनाएं। इस तरह से हम सारे बड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं इतने मटेरियल में हमारे 6 या 7 बड़े बन सकते हैं। तो पहले आप इतने ही मटेरियल से ट्राई कीजिए, बाद में आप ज्यादा मटेरियल से यूज कीजिए। और ये देखिए हमने एक छोटा बड़ा बनाकर देखा है। तेल जो है मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज गर्म ना हो। और इसको हम इस तरह से एक एक करके बड़े को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको उलटते पलटते हुए हमें सेकना है। ये बहुत अच्छे बनते हैं, देखिए बिल्कुल भी बिखर नहीं रहे हैं क्योंकि बाइंडिंग जो है मूंगफली पाउडर से हो गई है। तो आप इस तरह से बनाइएगा व्रत में और कुछ डिफरेंट बनाकर खाइए। हालांकि सभी को आते हैं वड़े बनाने, पर जो नए हैं जिनको सीखना है उनके लिए ये रेसिपी है। तो आप ऐसे उलट पलट के सेक लेंगे और ये देखिए ये ब्राउन होना शुरू हो गया है। जो बड़े हैं वो ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, बिल्कुल भी बिखरे नहीं हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो आप इनको उलट पलट के सेम कलर आए बस उस तरह का सेक लीजिए। ये हमने सबसे पहले ऑयल को चेक करने के लिए डाला था एक बॉल, तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो इसी तरह से हम इनको ब्राउन करने के बाद सारे वड़े बना लेंगे और ये देखिए बाकी वड़े भी हमने डाल दिए हैं और आप देख सकते हैं पास से कितना बढ़िया ये बनकर तैयार है। देखिए मैं आपको दिखाऊं तो ये दोनों वड़ों को हम निकाल लेते हैं। तो देखिए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी के भी हम तैयार कर लेते हैं। उलट पलट के हमें सेकना है। आप बहुत ज्यादा ऑयल डाल के भी डीप फ्राई कर सकते हैं, पर कम ऑयल में अगर आपको करना है तो आपको ऐसे ऊपर नीचे करके सेकना पड़ेगा। तो इनको सेक के करते हैं इनकी प्लेटिंग। और ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये यम्मी से वड़े बनकर तैयार हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज। जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। थैंक यू सो मच।